हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे बहुत स्वागत करता हूं। और आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स जो चल रहे हैं उसमें बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में बिजनेस फिनांस जो आपका एक पेपर है ऑप्शनल पेपर में आता है। आपको पता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सारे वीडियोज पढ़ चुके हैं, जीएसटी की वीडियो पढ़ रहे हैं, और आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस बार मैं YouTube के अलावा अपने कोचिंग एप्लीकेशन पे ये बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ जो बहुत जेन्युइन चार्ज है, 49 रुपीज पे अवेलेबल है। आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, कोर्स का लिंक दे दूंगा, उससे बहुत आराम से आप हर सब्जेक्ट्स के कोर्सेज को उसमें वीडियोज पीपीटीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को स्टडी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। आज हम आ रहे हैं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के बिजनेस फिनांस के टॉपिक में, पेपर वन यूनिट्स वन पे बात करने जा रहा हूं। आइए देखिए क्या है। ये देखिए बिजनेस फिनांस है, हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं आज। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस फिनांस के ऊपर, देख रहे हैं आप। और ये पेपर वन है, यूनिट्स वन में पार्ट ए पे बात करने जा रहे हैं। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं जानता हूं उनको मैंने कहा भाई ऑप्शनल में कुछ लेना मत लेना, लेकिन एक चीज जरूर लेना और वो है बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि पूरे कॉमर्स में मुझे जो लगता है कि अगर कोई सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सीखने लायक है, जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, करियर है, वो बिजनेस फाइनेंस है। जब आप आगे जाओगे, एमबीए करोगे, एमबीए में आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग से होगा, एचआर से होगा, वहीं पर आपका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस से भी होगा। फिनांस एक बहुत बड़ा एरिया है और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। हाँ, लेकिन आपका न्यूमेरिकल्स में थोड़ा इंटरेस्ट हो, अकाउंट्स वगैरह आप जानते हो, तब इस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो पूरा जो फिनांस का पोर्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसीलिए मैंने सारे बच्चों को सजेस्ट किया था, एक वीडियो बनाया था कि सिलेबस के रिगार्डिंग, उसमें मैंने कहा था कि बिजनेस फिनांस जरूर लीजिएगा। आइए, बिजनेस फिनांस में क्या है कि हम जो बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस चलाने के लिए हमें फंड्स चाहिए। एक बिजनेस जो है वो बिना फंड्स के नहीं चल पाएगा। तो बिजनेस को फंड्स कहां से मिलेगा, वो जो बिजनेस जो फंड्स पाएगा उसको कहां उसको यूटिलाइज करेगा, कहां उसको खर्च करेगा, कौन से प्रोडक्ट्स में पैसा लगाएगा, किसमें पैसा नहीं लगाएगा, किस प्रोडक्ट में पैसा लगाना बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होगा, जिससे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, किस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बहुत जल्दी निकल जाएगी, ये सारी चीजें इसमें आएंगी आपको। तो हम यूनिट्स वन में है, यूनिट्स वन में आपका बेसिक है बिजनेस फिनांस क्या है, उसकी मीनिंग है, फिनांस फंक्शंस है, ठीक है, उसमें कैपिटल डिसीजन फंक्शन है, उसमें कैपिटल बस्टिंग है, ये सारी चीजें हैं। आइए एक बार हम चलते हैं और इस टॉपिक से बात करते हैं आपके साथ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक्स आ गया, पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखिए बिजनेस फिनांस पेपर है। बिजनेस फाइनेंशियल डिसीजंस आर फाइनेंशियल, तीन डिसीजंस होते हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर यानी जो फिनांस को जो डील करता है उसको आप फाइनेंशियल मैनेजर कह लीजिए, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजंस में तीन चीजें शामिल होती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन यानी कि इन्वेस्टिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस। देखिए इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये तीन डिसीजन शामिल है फिनांस डिसीजन का। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, यानी इसमें आंसर्स क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। फिनांस डिसीजन में तीनों शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन टू क्या है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन टू क्या है। क्वेश्चन टू में क्या कह रहा, पढ़िए, द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, तीन था बताया था ना उसमें, फिनांस डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो थ्री टाइप्स होते हैं। मैनेजरियल अप्रोच ऑफ बिजनेस फिनांस, जो मैनेजर अप्रोच बिजनेस फिनांस का वो क्या है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स है, एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स है, रेशनिंग ऑफ फंड्स है, यानी फंड्स कैसे आएगा, रिसीप्ट ऑफ फंड्स, फंड को कहां खर्च करना है और फिर उसको कहां लगाना है जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, हमारी चीजें हो, ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, बिजनेस फिनांस बिजनेस फंक्शंस आर फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिनांस है, ये सब आपका आ जाएगा चारों इसमें। क्वेश्चन फाइव क्या, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोलर ऑफ मॉडर्न कॉरपोरेशन, कौन सा इसमें से नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडर्न कॉरपोरेशन कंट्रोलर का, असिस्ट मैनेजमेंट नहीं है और सब है, ये नहीं काउंट होता है, ये भी है बजट एंड फॉर कॉस्ट अकाउंट, बट ये नहीं। क्वेश्चन सिक्स क्या पढ़िए,
टू हुम डज द ट्रेजरर मोस्ट लाइकली रिपोर्ट्स, यानी कि किसको रिपोर्ट्स किया आता है, आइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को रिपोर्ट्स किया जाता है। आइए सेवेंथ क्या है, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट गोल ऑफ द फॉर्म। एक फॉर्म का मोस्ट एप्रोप्रिएट गोल क्या होता है, ईपीएस मैक्सिमाइजेशन नहीं, स्टेक होल्डर मैक्सिमाइजेशन नहीं, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये एक फॉर्म का मेन गोल होता है। क्वेश्चन एट क्या है, देखिए डैश डैश क्या है, पढ़िए, डिसीजन इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट मेकअप द राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट, फिनांसिंग, फिनांसिंग डिसीजन आपका क्या है, फाइनेंस डिसीजंस इन्वॉल्व्स, ये आपका फाइनेंसिंग होगा इसमें। आइए नाइन्थ क्या है, डैश डैश इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। इसमें देखिए क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्सेशन, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, इफ रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स is less than the book value of shares, it will, सुनिए, real value जब less than होता है book value से तो वो over capitalization होता है, इसका उल्टा under capitalization होता है, एक जगह over capitalization आया है, आगे जाएंगे तो under capitalization आएगा। आइए ये क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, पढ़िए इसमें, कह रहा है the essential annual income of company 5 lakhs, ठीक है ना, 5 lakhs and the same business ratio returns of capital employed 12.5%, amounts of capitalization क्या होगा निकालिए, 5 lakh, 5 lakhs into 100 upon 12.5, ठीक है ना, ये आपका 12, ये आ जाएगा आपका 8 और 40 lakh आपका होगा, कितना होगा 40 lakh, ये देखिए 40 lakhs हमारा आंसर। क्वेश्चन 12 क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, जब एक बिजनेस फॉर्म हो जाता है तो बिजनेस फॉर्म होने के बाद अब ये है कि पैसा कहां से आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम ये पता करते हैं कि हमें कितने फंड्स की को रिसीव करना, प्रोक्योरमेंट्स ऑफ फंड्स क्या होगा, वो फंड्स कहां से आएगा, शेयर से आएगा, डिवेंचर से आएगा, पब्लिक बैंक लोन कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ये कह रहा कि फैक्टर्स कौन से अफेक्ट्स करते हैं, तो इसमें की बात करें तो आइए पहला नेचर ऑफ बिजनेस अफेक्ट्स करता है इसको तय करने, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, अमाउंट ऑफ रिस्क भी होता है, गवर्नमेंट, ये सब आपका है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर, साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग की करेक्टरिस्टिक क्या है, सिंप्लिसिटी है, लिक्विडिटी भी है, इकोनॉमी, ये तीनों हो जाएगा आपका, सब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्वेश्चन 14 क्या है, विच ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इज मैक्सिमम, इट इज नोन एज, वही चीज बताया था जो मैंने आपको, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। आइए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है, मिड टर्म के लिए भी होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी ये सब हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग। 16 क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज बेस्ड ऑन पास्ट प्रेजेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा फ्यूचर से, यानी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो पास्ट का नहीं होता, वो फ्यूचर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द नीड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड्स क्या है, इफिशियंट ऑपरेशन, ठीक है चलेगा ये सही होगा, फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी होगा, डेवलपमेंट्स एंड एक्सपेंशन, ये सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन 18 क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स डिटरमिनेशन ऑफ कैपिटल पॉलिसीज, कैपिटल फोरकास्टिंग, डिटरमिनेशन ऑफ, सब आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। आइए 19 क्या है, देखिए यहां पर 19 कह रहा है, 19 में कि कॉस्ट ऑफ मशीन 2 लाख की है, ठीक है, एनुअल कैश इनफ्लो 40,000 है, पे बैक पीरियड्स, यू नो जब हम कैपिटल बस्टिंग में होंगे, कैपिटल बस्टिंग आगे आएगा टॉपिक्स, तो उस पर क्वेश्चन कराएंगे, कैपिटल बस्टिंग में जब हम अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था कर लेते हैं, यानी जब हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स कर लेते हैं, फंड रिसीव कर लेते हैं, तो फिर उस फंड्स को हमें एक्सपेंस करना होता है, उस फंड्स को हमें बिजनेस में लगाना होता है, तो कुछ
लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, प्लांट मशीनरी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना होता है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है ना उसके लिए कैपिटल बस्टिंग होती है। ये बताता है कि हम कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और सारी चीजें हों। तो ये कह रहा है कि अगर हमने 2 लाख रुपए मशीनरी में लगाया है और 40,000 एनुअली निकल रहा है तो कितने समय के अंदर वो पैसा निकल के आ जाएगा। तो 2 लाख और 40 करिए, सीधे सीधे 5 साल में वो पैसा निकल के आ जाएगा। पेबैक पीरियड्स यानी पेबैक पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए 2 लाख अपॉन 40,000 कितना हो जाएगा 5 इयर्स में। यानी अगर आप 2 लाख मशीनरी में लगाते हो, हर साल 40,000 का इनफ्लो है, तो आपको 5 सालों में वो पैसा मिल जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट has been called sometime before as financial management, कि वो जो फिनांस का जो मैनेजमेंट करते हैं ना उसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना बिजनेस फिनांस, यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। बिजनेस फिनांस भी कहते हैं, कॉरपोरेट फिनांस भी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फिनांस नहीं कहते। यानी कि हमारा जो आंसर होगा अगर मैं कहूं तो ये इसको नहीं कहते हैं, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ए और बी हो जाएगा। 21 क्या है पढ़िए, द पेबैक मेथड्स बताना। पेबैक मेथड क्या है, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उससे जो हमको रिटर्न्स मिलता है, इनफ्लो ऑफ कैश होता है, वही है। पढ़िए, हाउ क्विकली द इन्वेस्टमेंट मे बी रिकवर्ड द कैश फ्लो फ्रॉम, बस यही पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पेबैक मेथड्स क्या है, कितनी जल्दी हमारा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या है, 22 पे आइए, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो का मीनिंग जानते हैं क्या है, आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन होता है। देखिए इनकम आफ्टर टैक्स एंड नो, ये नहीं होगा, इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है पढ़िए, 23, कैपिटल बस्टिंग इज द पार्ट ऑफ, कैपिटल बस्टिंग में बताया आपको, जब हम अपने बिजनेस के लिए फिनांस फंड की व्यवस्था कर लेते हैं तो उस फंड्स को हमें इन्वेस्ट करना है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स वगैरह में, तो उसमें ये पूछ रहे हैं उस पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कैपिटल बस्टिंग के थ्रू हम कैपिटल, हम लॉन्ग टर्म जो पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर शॉर्ट टर्म ऑलवेज लॉन्ग टर्म, इस क्वेश्चन को रट डालिएगा, ठीक है ना। कैपिटल बस्टिंग इज लॉन्ग टर्म डिसीजन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है पढ़िए, आइए देखते हैं 25 क्या है। 25 कह रहा है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इरिवर्सिबल, रिवर्स यही पहला ही हो जाएगा आपका, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इवैल्यूएशन डज नॉट कंसिडर द स्क्रैप वैल्यू, इसमें से कौन स्क्रैप वैल्यू कंसिडर नहीं होता है, तो पे बैक पीरियड्स। क्वेश्चन 27 क्या है, Which of following is not used in capital budgeting? कौन capital budgeting में use नहीं होता, net assets methods use नहीं होता, ठीक है। आइए next, a machine cost क्या है, a machine cost है आपका 80,000 रुपए, मशीन कॉस्ट 80,000 है, its life 10 years है, cash inflow 18,000 है, rate of returns निकालना है, ठीक है ना, rate of returns निकालना है, तो 80,000 का आप डिवाइड करेंगे तो 10 से कितना आ जाएगा, 80,000 10 ईयर्स उसका वो है, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 8,000 हुआ और हमको 10,000 मिल रहा है, तो इनफ्लो हमें हर साल 18,000 मिल रहा है, 8,000 उसमें हर साल का डेप्रिसिएशन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट जो किए हैं प्लस स्क्रैप वैल्यू जोड़ के अपॉन 2, इन्वेस्टमेंट तो हम 80,000 ही किए हैं ना, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 80,000 अपॉन 2 40,000 ही हो गया, और इनटू 100% में वैल्यू निकालने के लिए, यानी 10,000 इनटू 100 अपॉन 40,000 अपॉन 40,000, ठीक है ना, ये 25% आ जाएगा। देखिए ये हमारा आंसर होगा 25%। 29 क्या है, जनरली आइडियल रेशियो फॉर डेप्ट इक्विटी रेशियो, एक बिजनेस में हम जब अपना फाइनेंसिंग करते हैं तो फाइनेंसिंग में इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लेंगे, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू पैसा लेंगे, डिवेंचर्स इश्यू करके पैसा लेंगे, बॉन्ड सिक्योरिटीज के थ्रू पैसा लेंगे, गवर्नमेंट अरे बैंक से लोन लेंगे, तो इसमें ये पूछ रहे हैं डेप्ट इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का सबसे बेस्ट फॉर्म है वो 2:1 होता है।
आप इसको संतोषजनक कहेंगे तो 1:1 भी हो जाएगा, लेकिन आइडियल फॉर्म क्या होता है, 2:1 होता है। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़िए, क्या दिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नेचर ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये ऑल सब हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच इज नॉट अ काइंड ऑफ कैपिटल गियरिंग, गियरिंग इसमें से कौन कैपिटल गियरिंग टाइप नहीं है। कैपिटल गियरिंग दो ही होता है, हाई गियरिंग और लो गियरिंग, ये होता है ये होता है, ये मीट गियरिंग नहीं होता है। विच इज नॉट द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स एनालिसिस, कौन कैपिटल स्ट्रक्चर्स एनालिसिस का टेक्निक नहीं है, ये कैपिटल बस्टिंग। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट कैपिटल इज बॉन्ड, फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या होता है आपका, बॉन्ड का फॉर्म होता है। ठीक है, वेट सॉरी एक मिनट, सब है इसमें, फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या है इसमें से देखिए, ये बॉन्ड भी है, डिवेंचर भी है, यानी जिसपे हमें एक फिक्स रेट से पेमेंट्स करना है, जैसे प्रिफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड पहले ही फिक्स हो जाता है, उतने परसेंट देना हो, प्रॉफिट्स कम हो या ज्यादा हो, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स, जिसमें ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए 34 क्या है, ईपीएस ऑन इंडिफरेंस पॉइंट्स इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज हाई गियरिंग होता है, क्या होता है, हाई गियरिंग होता है। 35 क्या है देखिए, 36 में आइए, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूड्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर्स, इक्विटी शेयर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर्स में हम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है एक बार आप जान लीजिए, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग में होता है कि फ्यूचर में हमें कितने फंड्स की जरूरत है, वो फंड्स कहां कहां से आएगा इसकी बात होती है। फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर्स हमें बताता है कि हमें जो फंड्स चाहिए उसमें कितना हिस्सा इक्विटी शेयर से, कितना प्रेफरेंस शेयर से, कितना बॉन्ड डिवेंचर से होगा वो बताता है। तो इसमें इक्विटी शेयर भी आता है, प्रेफरेंस भी आता है, डेट्स भी आता है, ऑल हो जाएगा इसमें। 37 ट्रेडिशनल अप्रोच टू फाइनेंस फंक्शन वॉज डेवलप्ड, ठीक है ना, बिफोर 1920 नहीं, बिटवीन 1920 एंड 30 ये आंसर हो जाएगा। 38 क्या है देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन, कौन इसमें फाइनेंस फंक्शन नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है, फाइनेंशियल डिसीजन है, डिसीजन रिगार्डिंग सेटिंग, ये नहीं है, ये फाइनेंस फंक्शन में नहीं आता। डिविडेंड तीन डिसीजन ही है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। डेप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बोरोड कैपिटल, ओन बोरोड कैपिटल, डेप्ट जो है वो बोरोड कैपिटल का एग्जाम्पल है। 40 क्या है, कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये आंसर होगा आपका। 40 क्या है, सोलोमन इज़रा हैज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिवॉर्ड ऑफ रिस्क नहीं, कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल ही हो जाएगा आपका, कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 42 क्या है, द मीनिंग ऑफ कैपिटल बस्टिंग, बताया ना कैपिटल बस्टिंग एक एक्सपेंडिचर्स डिसीजन है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, बजट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम नहीं, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रिपरेशन कैपिटल बजट, यही आपका होगा एक्सपेंडिचर्स, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, नेक्स्ट 34 क्या है, 43 क्या देखिए, कैपिटल बजटिंग प्रोसेस स्टार्ट विथ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, विथ प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, विथ नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ही हो जाएगा आपका। 44 पे आइए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रपोजल सिग्निफाई एक्सेप्टिंग ऑल प्रपोजल्स, एक्सेप्टिंग वन प्रपोजल एंड रिजेक्टिंग ऑल, इसमें क्या होता है कि कई प्रोजेक्ट्स हम लेके चलते हैं और उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करते हैं, यही दिया है एक्सेप्टिंग वन रिजेक्टिंग ऑल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए ये हमारा क्वेश्चन है, हम लोग बिजनेस फाइनेंस पेपर 1 के यूनिट्स 1 पे काम कर रहे थे, अराउंड 45 क्वेश्चंस के आसपास हैं। इस पूरे क्वेश्चंस को देखिएगा, कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और डाउट्स में अगर किसी आंसर्स को लेकर हो तो जरूर रिप्लाई करूंगा। मेरे चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो के लिंक को सारे फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करिए। बहुत जल्दी फिर बिजनेस फाइनेंस के नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक्स।